So now students, अभी तक हमने just a recap कि हमने campaign की हमने objective बता दिया, campaign की audience की reach out हमने set कर दी, budget हमने set out कर दिया. उसके बाद जैसा मैंने बताया आपको कि Facebook के ऊपर जो आपका business है वो represent दो तरीके से हो सकता है primarily. एक Facebook का पेज जो हमने क्रिएट करके देखा अभी, एक Instagram का अकाउंट है, यानी आपके Instagram की चीज़ें भी Facebook से लिंक आउट हो सकती हैं. दैट वॉज द आइडेंटिटी पार्ट ऑफ योर Facebook एड. वॉट कम नेक्स्ट इज वेरी क्रिटिकल. अब हम जा रहे हैं एड के, यानी एड की तरफ. पहला चीज़ हमने ये बता दी कि Facebook का जो एड की आइडेंटिटी है वो Facebook की जो पेज है उससे लिंक है. अब जो बाकी दो सेक्शंस हैं उसमें हम ये बताएंगे कि एक तो फॉर्मेटिंग बताएंगे जो हमारा ऐड होगा, एंड देन वी विल बी टेलिंग द लिंक ऑफ द ऐड, यानी ऐड का जो कंस्ट्रक्ट है वो हम बताएंगे. सो अभी हम ये देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से कि फॉर्मेटिंग ऑफ द फेसबुक ऐड, उससे क्या मुराद है. लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर दिस थिंग. हमने आइडेंटिटी वाला सेक्शन, यानी ये वाला सेक्शन हमने फिट आउट कर लिया था. अब हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि व्हाट इज द फॉर्मेट, यानी आपका जो एड है हाउ इट शुड लुक लाइक ऑन द पेज. अब यहाँ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आपका एड नज़र आता है यानी एंड यूज़र को, तो एड की जो लुक एंड फील है वो मल्टीपल हो सकती है. सबसे कॉमन ये है कि आपका जो एड है उसके ऊपर एक वक्त में सिंगल इमेज आ रहा हो, यानी इमेज मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन एक वक्त में एक ही इमेज यूजर को नजर आए. दैट इज सिंगल इमेज एड, सबसे कॉमन है. दूसरा, आप ये चाहते हैं कि जब एड लोगों को नजर आए तो उसके ऊपर सिंगल वीडियो हो. ये बड़ा ट्रेंड है इस चीज का कि एड के ऊपर वीडियो आना शुरू हो जाती है, कि जब यानी किसी ने अगर पैसे पे किए हुए हैं, फेसबुक एड के पैसे पे किए हुए हैं और आप उस एड की टारगेट ऑडियंस हैं, तो आपकी जो फीड है उसके दौरान फेसबुक का वीडियो चलना शुरू हो जाता है. दिस इज अ वेरी वेरी ग्रोइंग थिंग कि लोग वीडियो के जरिए अपना कंटेंट पहुंचाते हैं. देन स्लाइड शो है, यानी आप मल्टीपल वीडियोस का स्लाइड शो चला सकते हैं. यानी अभी एक सिंगल इमेज था, यानी एक इमेज नजर आए एक वक्त में, यानी आप अपलोड एक वक्त में 6 इमेज कर सकते हैं. दिस यानी आप एक वक्त में 6 इमेज आप अपलोड कर सकते हैं एक ऐड के साथ, लेकिन सिंगल में नज़र एक वक्त में एक ही आएगा. दूसरी ऑप्शन सिंगल वीडियो की है. तीसरी वीडियो स्लाइड शो की है कि आप मल्टीपल वीडियोस अपलोड करें एंड देन यू विल बी एबल टू सी द स्लाइड शो ऑफ द वीडियो. और ये एक नई चीज़ है, कलेक्शन. यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा कलेक्शन. कलेक्शन ये कह रहा है कि आप फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस कर सकते हैं. यानी जब आपका एड फेसबुक में ओपन होगा तो जो फेसबुक की विंडो वगैरह है वो बंद हो जाएगी, सिर्फ एड फुल स्क्रीन पे आ जाएगा मोबाइल पे. दिस इज अ न्यू थिंग. द लास्ट थिंग इज क्रॉसओवर. क्रॉसओवर सिंपल से ये होता है कि आप स्क्रॉलेबल इमेज स्क्रॉल खुद, यानी एक तो होता है स्लाइड शो कि आपको ऑटोमेटिकली इमेज रोटेशन में नजर आ रहे हैं. एक होता है कि आपके पास एक इमेज है, राइट एरो पे क्लिक करें अगला इमेज आएगा, लेकिन ऑन क्लिक ऑन स्क्रॉल आपका इमेज आएगा या वीडियो आएगी. तो ये हमारे पास कुछ 5 बल्कि प्राइमरली 4 ये हमारे पास तरीके हैं. यानी हम अपने ऐड को एंड यूजर को, जब एंड यूजर ऐड देखेगा तो इन 4 में से हम कोई तरीका या हम कोई फॉर्मेट चूज कर सकते हैं टू शो द एंड यूजर. इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है, वो हमें ये कहता है कि फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस. अब आप देखें यहां पे उसने क्या लिखा हुआ. वो ये कह रहा है कि जैसे ही अगर आप ये ऑप्शन अनेबल करेंगे, अगर फुल स्क्रीन ऑप्शन अनेबल करेंगे, तो जैसे ही कोई मोबाइल से आपके ऐड पे क्लिक करेगा या इंटरेक्ट करेगा, तो आप एक फुल स्क्रीन बना सकते हैं उस ऐड के क्लिक पे. यानी इसकी आसान लफ्जों में मिसाल ये है कि मैं मोबाइल फोन पर ब्राउज कर रहा हूं फेसबुक, मेरे पास एक ऐड आया, उस ऐड पे मैंने क्लिक किया, तो एक तो है ऐड का फॉर्मेट जो हम बना रहे हैं, एक है उस ऐड पे जब
मोबाइल से क्लिक हुआ तो एक नया टेम्पलेट ओपन हो गया, यानी वी आई एंड अप विद ओपनिंग अ न्यू थिंग। वो न्यू थिंग क्या है, मैं यहां से कोई टेम्पलेट क्रिएट कर सकता हूं अपनी मर्जी का, लेकिन ये सिर्फ मोबाइल ऑडियंस के लिए है। तो और ये अभी क्योंकि नई चीज है तो आई वॉन्ट गो बाय दिस। सो अभी सिर्फ आप लोग ये समझें कि फॉर्मेट से मुराद ये है कि आप इमेज वीडियो किस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं अपने क्लाइंट को या एंड यूजर को, सिंगल वीडियो, मल्टीपल वीडियो, मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल इमेजेस एंड वीडियो का जो मिक्सचर है दिस क्रॉसओवर। सो ये हमारे फॉर्मेटिंग के कुछ तरीके हैं जो हम फेसबुक ऐड को हम बनाते वक्त अप्लाई कर सकते हैं।